छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में इन दिनों निगम अमला सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के काम में पूरी सक्रियता से लगा हुआ है। ज्यादातर मामलों में खुद निगम आयुक्त मौके पर अमले के साथ मौजूद रहते हैं। वहीं बीते दिनों निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 में स्थित मुक्ति धाम की भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था, जिससे मोहल्ले वालों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस बात को लेकर वार्ड पार्षद फूल कुमारी भट्ट ने निगम आयुक्त से 8 अक्टूबर 2020 को लिखित शिकायत पेश की थी। पार्षद से निवेदन किया था कि प्रशासन मुक्ति धाम की भूमि से जल्द ही अतिक्रमण हटाए। उन्होंने आवेदन में यह भी कहा कि अगर आने वाले 7 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रभावित वार्डवासी आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। वार्ड नंबर 38 पे भेजा कब्जा धारियों पे जो तोड़फोड़ की जा रही है, क्या यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी? जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो शमशान की भूमि पर और उससे लगी हुई भूमि पे नजूल पे अतिक्रमण कर रहे थे। 2 महीने पहले से इनको नोटिस दिएकर हिदायत भी दी जा रही थी, किंतु इनके द्वारा यहाँ जगह खाली नहीं किया जा रहा था। इनको हम आज पुलिस प्रशासन की मदद से इनको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और इनको जो इससे समीपवर्ती जो भी हमारा HP हाउस है तो वहाँ पर हम PM आवास में उनको भेजेंगे और इनका सर्वे भी कराएंगे। वहाँ जो इनको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से KK न्यूज़ संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में 16 जनवरी को हुई एक मारपीट और दुष्कर्म की घटना में पीड़िता की दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के। दरअसल 112 पुलिस को सूचना दी गई थी कि अब्दुल नाम के युवक ने वादी पक्ष के घर में जबरन घुसकर उसकी बेटी के साथ मारपीट और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। जिस सूचना पर पुलिस ने 3 टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी थी और पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया। लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई और पीड़ित का शव रात करीब 9 बजे घर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। SP अमरोहा सुनीति के अनुसार क्योंकि मामला डिडौली कोतवाली के ही गांव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एहतियातन पुलिस भी लगाई गई और पीड़ित परिवार के संपर्क में भी अमरोहा पुलिस लगातार बनी हुई है। वैसे आरोपी अब्दुल को घटना के 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जिस पर आगे की कार्यवाही जारी है। जी सर, बताएं सर। देखिए, ये 16 तारीख की घटना है जिसमें थाना डिडौली में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी का कहना था कि उन्हीं के गांव का एक लड़का जिसका नाम अब्दुल है उनके घर में घुस गया था और उनकी लड़की को के साथ मार पिटाई की और बलात्कार किया, फिर वहां से भाग गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो पीड़िता है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। हमने एक्यूज्ड की अरेस्टी के लिए 3 टीमों का गठन किया था और मैं बता दूं कि विद इन 48 आवर्स हम लोगों ने एक्यूज्ड की अरेस्टिंग इंश्योर करा ली थी और उसको जेल भी भेज दिया था। जो पीड़िता है उसका यहाँ BP लो आ रहा था, उसको देखते हुए हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ वालों ने भी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए उनको बेटर इलाज के लिए सफदरजंग दिल्ली रेफर कर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली कल रात को दौराने इलाज उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रोसेस में हमारी एक पार्टी हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ थी, जो आज भी उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और जो आगे विधिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग अमल में ले गए। अमरोहा से KKD न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव के अजकैन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जलालपुर मजरा सखीरा निवासी गल्ला व्यापारी भंडारी यादव गल्ला बेचकर जब अपने घर वापस लौट रहे थे, जिसे गांव से ही थोड़ी दूर ट्रॉली ट्रैक्टर रुकवा कर गांव के ही चोरी में पकड़े गए युवक व उनके 23 साथियों ने व्यापारी भंडारी यादव के पास से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे डाला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने सिर्फ मारपीट की घटना बताकर मुकदमा दर्ज कर लीपापोती कर दी, जबकि पीड़ित यही कहता रहा कि उनको जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आप आज SP ऑफिस आए हैं, आप क्या शिकायत लेकर SP साहब से मिलने के लिए आए हैं? मारने की कोशिश की। आपके साथ क्या हुआ है? चोरी किया मैंने। क्या लूटा है आप? पैसे। कितने रुपए? 2 लाख।
किसने लूटा तुमसे पैसे? और फोटो। ये बबलू कौन है? प्रकाश लड़के। आप कहाँ के निवासी हैं? जलालपुर। जलालपुर। हाँ। आपने प्रार्थना पत्र कोई चौकी या थाने में दिया है? हमने तो नहीं दिया। फिर आप क्या जाते हैं नया एसपी ऑफिस में? न्याय मांगते हैं। क्या न्याय चाहिए आपको? मेरे पैसे वापस करें। कितने रुपए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपए थे। आप कहाँ से वापस आ रहे थे? हम मीर से आ रहे थे। दही चौकी मंजल महादेव। महादेव। क्या करते हैं आप? गल्ला के व्यापारी। आप वहाँ से बेच कर वापस आ रहे थे। कितने लोग थे आपके साथ में? हमारे साथ में 2 लोग थे। दूसरा आदमी क्या नाम था? जिनने उन्होंने क्या बताया उस मौके पे थे वहाँ पे? हाँ, वो खुफिया था वो। आप पे कितने वार हुए? आप पे कितने वार हुए? आप बोलो। बाका था। बाकी से वार हुआ था। हाँ। आप पर मौके पे पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? कोई नहीं की। उन लोग की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? नहीं हुई। तो इसमें आप एसपी ऑफिस आकर एसपी साहब से क्या निवेदन करना चाहते हैं? न्याय दिलाओ। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के मऊ में यातायात पुलिस के द्वारा यातायात सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस बीच हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को फूल देकर उनका सम्मान भी किया गया। दरअसल बुधवार को यातायात पुलिस जवानों के साथ सुविधा द्वारा लोगों को हेलमेट नहीं पहनने बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हैं। लेकिन बुधवार को यातायात पुलिस विभाग कुछ अलग ही रंग में नजर आया। पुलिस के द्वारा ड्रीमलैंड चौराहे पर यातायात के जवान ड्यूटी पर तैनात दिखे और साथ ही बगैर हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को फूल देते भी नजर आए। ये यातायात सप्ताह लगभग 14 फरवरी तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान एसडीओपी विनोद शर्मा, सूबेदार संजय जादौन के साथ कई लोग मौजूद रहे। ट्रैफिक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया था अपन ने, उस उपलक्ष में बाइक रैली निकाली और कुछ राइडर्स भी बुलवाए थे अपन ने, और आम जनता को ये समझाए, एक मैसेज चला जाए जैसे कि वो लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, 3 सवारी ना बैठना और स्पीड से गाड़ी ना चलाना, फालतू स्टंट ना करना, ये सब जानलेवा प्रतिक्रियाएं हैं। तो इसको चीज़ों को थोड़ा सा समझें और अपन इस वजह से अपन ने शहर के चारों तरफ एक ट्रैफिक पुलिस की रैली निकाली जिसमें 100 से 150 व्यक्ति द्वारा हेलमेट पहन के और अभियान चलाया गया था। और सड़क सप्ताह जो शुरू किया गया कितने दिन तक चलेगा? ये अपन 7 दिन के चलाएंगे वैसे तो, लेकिन इसका निर्धारित टाइम तो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा, फरवरी तक चलेगा, और देन देखते हैं आगे। उसकी शुरुआती दौर तो अच्छी हुई। आपने क्या संदेश दिया पब्लिक? जनता को जिन्होंने हेलमेट पहना था उनको अपन ने एक गुलाब से नवाजा, उनको अच्छे तरीके से उनको ये फॉलोअप किया, बताया कि आप लोग जो हेलमेट पहनते हैं वो जीवन एक रक्षक है, और ऐसे ही आगे इस प्रतिक्रिया को अपनाएं और 3 सवारी ना बैठ कर चलें और शराब पीकर वाहन ना चलाएं। तो ऐसी इस टाइप की सब समझाइशें देकर और लोगों को मैसेज दिया। सर हेलमेट भी बांटे क्या? हाँ, 25 से 30 हेलमेट भी बांटे हैं अपने, जिसमें कुछ जिन्होंने कोरोना काल में कोविड-19 में मदद किया, जैसे कि नगर सुरक्षा समिति के कुछ सदस्य हैं, कुछ गणमान्य व्यक्ति थे और अपने पुलिस स्टाफ के कुछ व्यक्ति थे, ट्रैफिक से लेके और थाने तक अपने वितरण करवाया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। आपका नाम? ट्रैफिक प्रभारी संजय सिंह जाधव। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.